पीटीएल ट्रेवल लाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इन देशों में आप बिना वीजा के घूम सकते हैं, कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। तो कौन कौन से देश हैं वे मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत से देश हैं जहां जाने के लिए पहले भारतीयों को वीजा अप्लाई करना पड़ता है। बिना वीजा के इन देशों में भारतीय नागरिकों को एंट्री नहीं मिल पाती है। कई बार वीजा अप्लाई करने की सिरदर्दी के कारण लोग इंटरनेशनल ट्रिप प्लान ही नहीं करते हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां जाने के लिए भारतीयों को वीजा की कोई ज़रूरत नहीं होती। इन देशों में भारतीय बिना वीजा के आराम से घूम सकते हैं। ये देश काफ़ी खूबसूरत हैं और यहाँ जाने के लिए किसी भी तरह के पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। आइए जानते हैं इन वीजा फ्री देशों के बारे में। भूटान। भारत का पड़ोसी देश भूटान पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। भारतीयों को भूटान जाने के लिए वीजा की ज़रूरत नहीं पड़ती। पासपोर्ट या कोई दूसरी वैध आईडी ही यहां जाने के लिए पर्याप्त है। भूटान का पासपोर्ट रैंकिंग 90 है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश भूटान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहां के लिए आपको टूरिस्ट परमिट लेना जरूरी है। पारो, दोचुला पास, हाँ वैली, पोनाखा जोंग, तंगसांग, लहसांग जैसी कई शानदार जगहों पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। भूटान सितंबर महीने में पर्यटकों के लिए फिर से खुला है, लेकिन अब भारतीयों को भूटान पर नाइट स्टे के लिए 1200 रुपये सतत विकास शुल्क के रूप में देने पड़ते हैं। मतलब कोई भारतीय अगर भूटान जाता है तो सिर्फ उसका 1200 रुपये पर नाइट स्टे के लिए सतत विकास शुल्क देना पड़ेगा जो भूटान गवर्नमेंट लेती है। अगला देश है इंडोनेशिया। अगर आप काफ़ी लंबे समय से इंडोनेशिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम दिनों के लिए इंडोनेशिया घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जाने के लिए आपको कोई टूरिस्ट या बिजनेस वीजा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एक बात का ख्याल रखें कि अगर आप इस देश में लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं तो आपको वीजा अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। अगला देश है जमैका। जमैका जाने और यहाँ 30 दिनों तक रुकने के लिए भारतीयों को किसी वीजा की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर की ओर से आपके पासपोर्ट में स्टैम्प लगाया जाता है जो वैध टूरिस्ट वीजा के रूप में काम करता है। ऐसे में अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको वीजा के पछड़ों में नहीं पड़ना होगा। अगला कंट्री है मकाओ। भारतीय नागरिक अगर 30 दिन या उससे कम समय के लिए मकाओ जाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ 30 दिन से ज़्यादा रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आपको वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। अगला कंट्री है सेंट किट्स और नेविस। भारतीय नागरिक अगर बिजनेस घूमने के लिए सेंट किट्स और नेविस जाते हैं तो उन्हें वीजा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ काफ़ी खूबसूरत जगह है जहाँ भारतीय बिना किसी चिंता के वीजा फ्री यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। अगला कंट्री है ट्यूनिशिया। भारतीयों को ट्यूनिशिया जाने के लिए वीजा अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ आप 3 महीने तक बिना वीजा के रह सकते हैं। लेकिन अगर आप घूमने के बजाय किसी और उद्देश्य से इस देश में जा रहे हैं तो आपको एडवांस में वीजा अप्लाई करने की ज़रूरत होगी। अगला कंट्री है मॉरिशस। भारतीय पासपोर्ट धारकों को मॉरिशस भी वीजा फ्री एंट्री देता है
और वह 90 दिनों के लिए वैध होता है। पर्यटकों के पास रिटर्न टिकट और पर्याप्त बैंक बैलेंस होना जरूरी है। मॉरीशस दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। ब्लैक रिवर, गार्गेस नेशनल पार्क, बेले मेयर प्लेज बीच, सर शिबू सागर राम गुलाम बॉटनिकल गार्डन, चामरेल, टू ऑक्स बीचेस और ले मोर्ने ब्रेंट जैसी कई खूबसूरत जगहों पर घूमने आप जा सकते हैं। तो ये थे जहाँ पे आप बिना वीजा के जा सकते हैं और वहाँ पे घूम सकते हैं। आपको कोई पैसा वीजा के लिए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।